यार ये लाइफ इंश्योरेंस लेते समय ना एक डर सबको रहता है। जिस कंपनी का मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं, अगर वो डूब गई तो, बैंक्रप्ट हो गई तो मेरे पैसों का क्या होगा? इसके अगेंस्ट 3 सेफगार्ड्स हैं, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला, री इंश्योरेंस। यानी अगर मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर हूं, मैंने आपको 1 करोड़ की पॉलिसी दी, तो जब आप क्लेम करोगे तो ऐसा नहीं है मेरी जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि उस पॉलिसी का फिर मैं इंश्योरेंस करा लेता हूं एक री इंश्योरेंस कंपनी से। तो आप क्लेम करोगे, मैं उस कंपनी को क्लेम करूंगा, वो मुझे पैसा दे देगा, तो रिस्क पूरा मेरा नहीं है। सेकेंड, सॉल्वेंसी रेशियो। तो रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर ये बोलता है कि आप जो प्रीमियम ले रहे हो, ऐसा नहीं उसको कहीं भी लगा दो, उसका एक मेजर हिस्सा आपको रिजर्व्स रखना है, जिससे सिर्फ आप क्लेम्स पे करोगे। तीसरा, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रगलिंग है, डूबने वाली है, तो रेगुलेटर उसे एक अच्छी चलती हुई इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर देगा, ताकि पॉलिसी होल्डर्स का कोई नुकसान ना हो।